So hey guys, we are back here again with another one of our analysis video. But today we are going to be analyzing Race 101. This is one of the mains exams that that Gurukul is going to conduct in the coming days. And we begin today. Let us begin with our analysis. The first question is, on hearing the loud noise, he stopped and got down from his bicycle. So, kuch matlab bando ko kya hota hai? Pata nahi hota. So, got down ko... किसके साइनन बस मार दे उतरना है ना गोट डाउन उतरना लेकिन कभी भी किसी भी राइड से कार से बस से उतरने में क्या होता है गोट ऑन चढ़ना और गोट ऑफ उतरना ठीक है ही गोट ऑन द बस ही गोट ऑफ द बस ठीक है समझ पा रहे हो किसी भी व्हीकल में चढ़ना उतरना जो होता है ना वो गोट ऑन होता है या गोट ऑफ होता है ठीक है गोट डाउन गोट अप नहीं होता गोट अप होता उठना तो अप डाउन तो फिर वही सेंस आ गई ना ठीक है ही गोट डाउन या फिर कई बार क्या होता है पहाड़ से उतरना वो सब क्या होता है गोट डाउन पेड़ से उतरना ठीक है लेकिन ये क्या है लाउड नॉइज सुनने के बाद वो क्या है वो रुका और कहाँ से उतरा अपनी साइकिल से तो व्हीकल से उतरने में क्या होता है गोट ऑफ द बस हाँ जी ही गोट फ्रॉम क्या Got from Pana. He got these attributes from his mother. ये properties जो उसके पास आई किसके पास से आई अपनी mother से हाँ ठीक है क्या Promises should be kept. Promises रखे जाने चाहिए ये कैसी statement है किसी ने कही है D होगा वन शुड कीप द प्रोमिसेस किसी ने कही किसी ने सुनी कुछ नहीं है ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि भाई प्रोमिसेस रखे जाने चाहिए ठीक है प्रोमिसेस का ऑनर करना चाहिए प्रोमिसेस शुड बी ऑनर्ड या फिर प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट वन शुड कीप द प्रोमिसेस वन सब के लिए ना तुम ना मैं यू वी ठीक है समझ गए ना टू लिफ्ट और होल समथिंग हैवी विद ग्रेट एफर्ट होल उठाना थोड़ा जोर लगाना उसको बोलते हैं होल ठीक है टू लिफ्ट और होल समथिंग हैवी विद ग्रेट एफर्ट किसी ने मूवी देखी हो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखिए उसमें गाना आता है हीव हो वो जैसे हम बोलते हैं ना जोर लगा के ऐसा तो उसी में वो क्या बोलते हैं हीव हो तो उसमें वो जो हीव होता है मतलब जोर लगाना ठीक है टू लिफ्ट समथिंग श्रिम्प क्या होता है श्रिम्प एक छोटा सा केकड़े जैसा जानवर होता है ठीक है पिस्टल श्रिम्प किसी ने सुना हो श्रिम्प उसमें उसके अरे यार ऐसे ऐसे होते हैं जिसके ऐसे ऐसे और वो टैप करता है ना तो पिस्टल श्रिम्प काफी इंसेक्ट्स में ना सबसे टॉप लेवल प्रेडेटर माना जाता है इसको ठीक है जिसके अंदर इसको रखते हैं ना एक्वेरियम वगैरह फूट जाते हैं उसको श्रिम्प बोलते हैं विम्प होता है कोई भी कमजोर आदमी जो रोने लग जाए छोटी सी बात पे ठीक है उसको बोलते हैं विम्प ठीक है फॉरन में कई लड़ाई होती है क्या क्या बोलते हैं कि वाई आर यू क्राइंग यू आर विम्प आर यू विम्प ठीक है तो और रंट होता है सुअर का बच्चा या फिर मतलब लिटिल पिग रंट होता है ठीक है हाँ जी सुअर का ब्यूट्रेस होता है स्ट्रोंग जो पिलर्स वगैरह होते हैं ना पिलर्स नहीं होते ये क्या होते हैं कोई भी दीवार है जैसे किले की दीवार है कई बार ऐसा स्ट्रक्चर देखा है किले की दीवार के साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं बिल्कुल दीवार को सपोर्ट कर रहा है वो किले की दीवार को सपोर्ट कर रहा है कि भाई यहाँ से अगर कोई अटैक कर रहा है तो दीवार इस तरफ ना गिरे तो इसको ब्यूट्रेस बोलते हैं मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है किसी भी चीज़ का क्या होता है ब्यूट्रेस समझ पा रहे हो ठीक है तो प्रोप क्या होता है सपोर्टिंग मटीरियल कोई बोलता है भाई कोई प्ले चालू होने वाला है हमारे प्रॉप्स कहाँ हैं प्रॉप्स क्या होते हैं हमारे कपड़े हमारे ड्रेसेस वो सब कहाँ हैं वो क्या होते हैं प्रॉप्स जो सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को कोजेंट होता है Strong and effective, ठीक है The जो solution to the problem is cogent. Cogent मतलब strong और effective solution क्या है उसका जो भी है वो देगा उसको बोलते हैं strong and effective cogent solution. Abate कम करना किसी भी चीज को The pain is abating. दर्द कम हो रहा है ठीक है वो intensity वाला काम जो होता है वो abate होता है Impervious, ठीक है Pervious और impervious, इसमें फर्क होता है Pervious होता है जिसके अंदर से जिसको भेदा जा सके परवियस इम्परवियस जिसको भेदा ना जा सके ठीक है तो इसका ब्यूट्रेस का साइनोनिम क्या हो गया प्रोप
It's time you changed. Prop और cogent. Cogent होता है effectiveness में. Prop होता है कोई solid चीज जो आपको support करे. Cogent होता है हाँ persuasive लगा लो. हाँ strong and effective मतलब कोई बढ़िया solution किसी चीज का होता है cogent. हाँ almost हाँ ठीक है. It's time you changed to a new phone. Changed to a new phone मतलब एक चीज छोड़ के दूसरी चीज पकड़ना. Changed over ठीक है. Change in या into किस में आता है कपड़े बदलने में ठीक है. She changed into Cinderella ठीक है. कपड़े बदल के Cinderella बन गई ठीक है. Changed with time समय के साथ बदलना ठीक है. और ये तो changed on शायद ऐसा कुछ नहीं होता वैसे वैसे आगे time के हिसाब से जाता है. She changed on time वैसे मैं रहते बदल गया ठीक है. यहाँ आएगा ओवर एक एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज को पकड़ना ठीक है. समझ पा रहे हो नहीं पा रहे आगे ऊपर से जा रहा है क्या है. इंडिया लेड द बैटल ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट इंपीरियलिज्म. इंडिया ने जो लड़ाई लड़ी किसके खिलाफ इंपीरियलिज्म ठीक है. अंग्रेजों के खिलाफ ठीक है. इंपीरियलिज्म वैसे अंग्रेज नहीं होता इंपीरियलिज्म को हाँ हाँ जो भी मतलब एम्पायर बनाने की कोशिश करते हैं. That technique brought us success. That technique, कौन सी technique पता नहीं. We therefore championed the cause of other countries. ठीक है पता नहीं मतलब अभी तक इसमें हमारी कोई जान नहीं है इस sentence में. We fought it with a special technique. कोई technique है भाई. We are happy that they achieved freedom, but some countries are still. अब S के बाद ये तो दिख रहा है भाई सीधा. ये वन था ना तो ये टू था. इधर इधर लिखा नहीं हुआ ठीक है. ये इसमें जुड़ा नहीं हुआ. ये टू था एंडिंग थी ये इसकी ठीक है. तो एस के बाद ये तो दिख रहा है कि भाई वी आर हैप्पी दैट दे अचीव्ड फ्रीडम. लेकिन उन्होंने फ्रीडम अचीव कर लिया लेकिन बट सम कंट्रीज आर स्टिल स्लेव्स ठीक है. अब भी गुलाम है. इंडिया ने बैटल लड़ी तो एस तो लास्ट में आई गई. वैसे तो सी दिख रहा है सीधा ही. तो वी फॉट इट विद अ स्पेशल टेक्निक. टेक्निक का इसने जिक्र किया ही नहीं वैसे है कौन सी टेक्निक ठीक है. कहीं भी एक भी सेंटेंस में नहीं आया. लेकिन शुरुआत यहां से करी है उसने एक स्पेशल टेक्निक से उन अमूस से लड़े ठीक है. दैट टेक्निक उस टेक्निक ने हमें क्या सक्सेस दिलाई. वी देयरफॉर उसके बाद से हमने क्या कर दिया कॉज ऑफ अदर कंट्रीज. ये कॉज वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो. क्या सोच रहे हो कारण. हाँ ये कॉज ये व्यथा वाला कॉज है भाई. वी देयरफॉर चैंपियन द कॉज ऑफ कंट्रीज. जिस चीज से और भी पीड़ित थे ना उससे हमने उसको ओवरकम कर लिया. समझ पा रहे हो. तो ये वो कह रहा और फिर उसके बाद उसने बोला लेकिन फिर उन्होंने क्या किया. वी आर हैप्पी दैट दे अचीव्ड फ्रीडम बट सम कंट्रीज आर स्टिल स्लेव्स ठीक है. सेड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड डिनंसिएशन. डिनंसिएशन क्या होता है किसी को लालचन लगाना किसी पे. एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाना. ग्रेविटेशन ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण. मैग्निफिशेंट शानदार. स्पेलिंग गलत है. एम ए जी एन आई एफ आई सी ई एन टी मैग्निफिशेंट ठीक है. शी कुडंट हेल्प बट लाफ. अब ये क्वेश्चन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है. शी कुडंट हेल्प बट लाफ. कई बंदे यहां बट लाफिंग कर रहे होंगे लाफिंग कर रहे होंगे ठीक है. एक तो हो सकता है शी कुडंट हेल्प. देखो इसके दो मतलब फॉर्मेट होते हैं इसको इस सेंटेंस को लिखने के कि वह मतलब कुछ नहीं कर पाई बट सिवाय किसके हंसने के ठीक है. मतलब अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई उसको कैसे लिखते हैं. शी कुडंट हेल्प बट लाफ या फिर शी कुडंट हेल्प लाफिंग. या तो ए आ सकता था लेकिन ए रिप्लेस क्यों करो जब वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है. तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट. समझे. मस्टी मस्टी मतलब रोटियां पुरानी हो जाती तो कैसी हो जाती है. मस्टी सड़ी हुई जो स्मेल आती है ना जिसमें उसको बोलते मस्टी ठीक है. तो इसका अपोजिट पूछा हुआ एंटोनियम फ्रेश ठीक है. समझ गए. मैंने इसके लिए ट्रिक व्रिक अपनी यही बनाए रखी थी भाई. मस्टर्ड मस्टर्ड जो ऑयल होता है उसे सड़ जाता है ठीक है. तो मस्टी तो या फिर एक्सपेंसिव महंगा फाइन क्लीन इनका पता ही होगा. अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री. पूरे वर्ल्ड को वो अपनी कंट्री समझता है. क्या वसुदेव कुटुंबकम है ना. द वर्ल्ड इज माई फैमिली. तो कॉस्मोपोलिटन ठीक है. क्या होता है उसके 11 वर्ड. कॉस्मोपोलिटन अर्बेन शहर में रहने वाला. पॉलिश्ड पॉलिश्ड ये पॉलिश्ड भाई चमकने वाला पॉलिश्ड नहीं है ये वो
विद ए हाँ अरबेन के सेंस में पॉलिश चाहिए. इसका इसका अपोजिट अर्बन के सेंस में क्या होगा? रूरल का क्रूड होगा. ठीक है. द ट्रेटर्स शुड बी शॉट डेड. धोखेबाजों को गोली मार देनी चाहिए. तो ये क्या है? एक्टिव बनाना है. ये पैसिव में है तो शुड बी कब आता है? शुड के साथ वी वन सी होगा. हाँ, दे शुड शूट द ट्रेडर्स डेड. ये वो नहीं है, मतलब ये उसमें है, उस रेफरेंस में है कि भाई अच्छा, यू शुड वर्क हार्ड और यू शैल वर्क हार्ड में डिफरेंस है. यू शैल क्या है? आदेश है ना. तो हाँ, और यू शुड क्या है? एक यूनिवर्सल एक सेंटेंस है कि भाई हाँ, तुम्हें अच्छा मेहनत करनी चाहिए. ठीक है. तो ये वही है कि जो उनको गोली मार देनी चाहिए, चाहिए वाली सेंस है ये. समझ गए? हाँ, मॉडल. मैं टर्म्स भूल जाता हूँ. द कोच फायर्ड हिज प्ले. अच्छा ना, फायर्ड अप. द टीम वॉज फायर्ड अप बाय द स्पीच गिवन बाय कोच. कोच ने ऐसी स्पीच दी और टीम में आग लग गई. समझ गए? हैं? फायर्ड एट होता है किसी दुश्मन पर गोली चलाना. फायर्ड ऑन तो कभी सुना नहीं. फायर्ड एट, दे फायर्ड एट दी अनआर्म्ड एनिमी. ठीक है. फायर्ड अप. बीट दी डे लाइट आउट ऑफ सम. अभी पता है फ्रेजल वर्ग का यही सीन है. थोड़ी बहुत याद रह जाती है, थोड़ी बहुत भूल जाता हूँ. बीट द डे लाइट आउट ऑफ समवन. ठीक है. किसी के अंदर से जान ही निकाल ली. ठीक है. तो हाँ, टू मेक समवन अनकॉन्शियस बाय बीटिंग. समझ गए? सानिया प्लेड वेरी केयरफुल. केयरफुल केयरफुल क्या है ये? केयरफुल क्या है ये इधर? हाँ, होना क्या चाहिए? क्यों क्यों? हाँ तो देखो, इसको ग्रामर की सेंस में हम देखते रहते हैं फिर कहीं ना कहीं गलती करते हैं. सानिया ने खेला कैसा? तो किसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है? खेलने की या सानिया की? ये प्रॉपर्टी बता रहा है खेलने की. उसने कैसा खेला? ठीक है. तो ये क्या आई? वर्ब की प्रॉपर्टीज दिखा रहा था. ये क्या होनी चाहिए थी? एडवर्ब होनी चाहिए थी. एडवर्ब होगी केयरफुली. हाँ वैसे भी. हाँ ठीक है, एक एडवर्ब हो जाएगा उसमें से अपने आप ही. तो ए आंसर हो गया. हाउ मच ऑफ द कैंडिडेट्स. ठीक है. कितने कैंडिडेट्स? हाउ मच या हाउ मैनी? कितने कैंडिडेट्स? तो फाइनाइट नंबर्स के लिए क्या? काउंटेबल नाउन के लिए मैनी, और अनकाउंटेबल के लिए मच. तो यहाँ क्या आएगा? मैनी. हाउ मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स हु अटेंडेड द क्लासेस रेगुलरली हैव क्लियर्ड द एग्जाम. थ्री ग्रेन्स राइस वीट एंड कॉर्न आर द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स. इन पार्ट्स ऑफ एशिया देर इज अ वार्म डैम्प क्लाइमेट वेयर राइस कैन ग्रो द ईयर राउंड. राइस यील्ड्स मोर. अच्छा, तीन ग्रेन्स हैं राइस वीट और कॉर्न जो वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स हैं. ठीक है. इन पार्ट्स ऑफ एशिया देर इज अ वार्म डैम्प क्लाइमेट वेयर राइस कैन ग्रो द ईयर राउंड. एशिया के अंदर कुछ भाग ऐसे हैं जिसके अंदर राइस पूरे साल, ईयर राउंड का मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर, उगाया जा सकता है. क्योंकि वो क्या है? डैम्प क्लाइमेट मतलब गीला, प्रेसिपिटेशन मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है यहाँ. ठीक है. उस क्लाइमेट के कारण राइस यील्ड्स मोर फूड फ्रॉम ईच एकड़ देन एनी अदर. अब देखो, एनी अदर के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो हो सकता है ये किसके साथ कंपैरिजन हुआ हो? खुद वीट और कॉर्न के साथ. उसने क्या किया कि भाई तीन ग्रेन्स हैं ये, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से राइस क्या है, दोनों से क्या है, ज़्यादा यील्ड दे रहा है. तो क्यों सबसे पहले? दो में एशिया ग्रोज मोर राइस देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द राइस हार्वेस्ट व्हेन अ नेशन हैज नो जॉब. अच्छा, व्हेन अ नेशन हैज नो जॉब ही ऑफन सेज दैट हिज राइस बाउल इज. तो ये लाइन कब आ सकती है, ये बताता मेरे को. सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर? राइस हार्वेस्ट पे. और जब भी किसी राइस मतलब किसी एशियन पे जॉब नहीं होती तो वो क्या बोलता है कि माई राइस बाउल इज ब्रोकन. तो ये लाइन आ सकती है जब, आ सकती है जब किसी ने ये बोला हो कि भाई एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दी राइस हार्वेस्ट. समझ गए? तो लास्ट में ऐसा आएगा ऑप्शन डी.
ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं पी और आर, ठीक है? एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म, एनी पोर्ट मतलब जब तूफान आए ना तो भाई कोई भी पोर्ट चलेगा, अगर तूफान नहीं हो फेवरेबल कंडीशंस हो तो ही तो बंदा चूज करेगा, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, भागते चोर की लंगोटी सही। अ पर्सन मे हैव टू टर्न टू एनी वन अवेलेबल वेन ही इज इन ट्रबल, ठीक है? बोर हो गए क्या? टेस्टिफाई, टेस्टिफाई कोर्ट में क्या करते हैं, ठीक है? बंदे को बुलाते हैं कि भाई हाँ भाई, डू यू टेस्टिफाई दैट यू हैव सीन दिस, क्या तुम टेस्टिफाई करते हो कि तुमने ये देखा है? हाँ मतलब विटनेस, ठीक है? किस रिकॉग्नाइज, पहचानना, और ये होता है गवाही देना, विटनेस और टेस्टिफाई, ठीक है? और डिस्क्राइब, बताना, अप्रिशिएट, गवाही देना। बिसीच का मतलब टू बैग समवन, ठीक है? किसी से कुछ मांगना इज कॉल्ड बिसीच। एंटोनियम बुली क्या होता है, बुली बताओ। हाँ बुली है ना, देयर बुलीज इन किड्स मतलब स्कूल्स, ठीक है? बुली किसी को चिढ़ाना, सोलिसिट, हाँ रिक्वेस्ट, या फिर किसी को परसुएड करना कि भाई तू मेरे को ये दे दे, मैं तेरे को बदले में पैसे दूंगा और कुछ दूंगा, ठीक है? वो सोलिसिट। डिसमिस मना कर दें, तो बिसीज किसी से मांगना और डिसमिस किसी से मना कर देना, वैसे एंटोनियम नहीं है लेकिन ऑप्शन को देखते हुए डिसमिस बेस्ट सेंस दे रहा है, ठीक है? डिमांड मांगना वही। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, क्यूम्बरस, यही गलत लिखा हुआ है, ये पता है? ये क्यूम्बरस जो है ना, कुम्बरस, ये कंबरसम सुना होगा किसी ने, कंबरसम, हाँ कंबरसम होता है मुश्किल और बोरिंग, दिस इज कंबरसम, द वर्क इज कंबरसम, तो उसी की शॉर्ट फॉर्म है, उसकी जगह कई बार क्यूम्बरस यूज कर लेते हैं, कंबरस, ठीक है? सेम मीनिंग, एग्जैक्टली सेम मीनिंग, ठीक है? करप्शन, कॉन्ट्राइव होता है जोर देना किसी चीज पे, जितना मुझे ध्यान है लिख नहीं रखा, ठीक है? क्या कंबरसम का मतलब होता है किसी चीज, मतलब कोई मुश्किल कार्य, नेट में चल रहा, अच्छा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ईच ब्लैंक। गांधी जी वन सेड आई वुड से दैट इफ द विलेज पेरिशेस, ठीक है? अगर गांव मिट जाएंगे, हाँ वही है, एफ्लिक्ट नहीं, अरे नहीं वो नहीं है, तो जो आएगा अभी, नेट नहीं चल रहा। गांधी जी ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि भाई अगर गांव नष्ट हो जाएंगे, पेरिश मतलब नष्ट हो जाना, इंडिया विल पेरिश टू, इंडिया भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है? इंडिया विल बी नो मोर इंडिया, हाँ ठीक है बिल्कुल सही, नो मोर इंडिया, अगर ऐसा होगा तो इंडिया नहीं रहेगा, ठीक है? सेंटेंस खत्म ही हो गया, कॉन्ट्राइव का मीनिंग एक बार चेक कर लेना यार। क्या कॉन्ट्राइव मतलब कुछ भी, कोई भी डिफिकल्टी के रहते हैं क्या करना, अपने आप को फोर्स करना कोई भी काम करने के लिए, कोई भी डिफिकल्टी आए उसके अंदर हार्डवर्क करना, उसको कॉन्ट्राइव बोलते हैं, ठीक है? टू परसिवियर इन ए न्यू डिफिकल्टी, ठीक है? इंडिया विल बी नो मोर इंडिया, हर ओन मिशन इन द वर्ल्ड विल गेट, अपना खुद का मिशन वो खो देगी, ठीक है? फ्लरिस्ट पॉजिटिव सेंस दे रहा, एलिवेटेड पॉजिटिव सेंस दे रहा, एक्सटेंशन भी पॉजिटिव सेंस दे रहा, क्या आएगा? लॉस्ट, ठीक है? चल पा रहे हो साथ साथ? द, अच्छा, ऑफ द विलेज इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज, अच्छा ये द विलेज है ना, यूनिवर्सल सेंस में बोल रहा है, द जब लग जाता है पता होगा ना, द ब्रिटिश,
ठीक है, ये सब विलेजेस की बात कर रहा है, मत सोचना कि भाई कोई पर्टिकुलर गांव की बात कर रहा है, ठीक है। द विलेज इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज नो मोर, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। रिवाइवल मतलब दोबारा पुनर्जीवन करना, ठीक है। रिहेबिलिएशन नहीं आ सकता, दोबारा बसाना नहीं होता, गांव तो होता है शहर बन जाता है, ठीक है। रिवाइवल मतलब पुनर्जीवित करना। प्रूनिंग मैंने देखा नहीं यार, प्रूनिंग क्या है, ठीक है। हर ऑन, अच्छा, विलेज इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज नो मोर। यहाँ पे एक एरर है भाई, यहाँ बाय आएगा, हाँ ठीक है। किसके द्वारा इसका क्या शोषण नहीं किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन से? ना ना, ओन ए मास स्केल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ना ना ना, अच्छा ये फुल स्टॉप है क्या? अच्छा यहाँ फुल स्टॉप है, ये एक डॉट फुल स्टॉप उसमें मिक्स कर दी, तभी मैं सोच रहा कि यार यहाँ यार फिर यहाँ बाय नहीं आएगा, यहाँ फिर तो फुल स्टॉप है इधर भाई, यहाँ फुल स्टॉप है एक। इट इज नो मोर एक्सप्लॉइटेड, उसके बाद क्या है, ये शोषण रहित हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो, ऊपर अगर विलेजेस को रिवाइवल कर दिया गया तो, समझ गए? इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अ मास स्केल विल, इंडस्ट्रियलाइजेशन मास स्केल पे अगर करेंगे तो क्या होगा, नेसेसरीली लीड टू एक्टिव या पैसिव, उससे होगा ही होगा, क्या होगा, शोषण उनका, ठीक है। एक्टिव या पैसिव शोषण उनका, एक्सप्लोटेशन उनका होगा विलेजेस का, हम उसको रोक नहीं सकते, और जानबूझ के पैशनेटली या सरप्राइजिंगली करते नहीं है, ठीक है, थोड़ा कम करते नहीं है, उससे होगा ही होगा, ये उसकी पैसेज की सेंस है, ठीक है। नेसेसरली, हाँ ये नेगेटिव सेंस ही है, ये नेगेटिव पे ही है, ये ऑथर ये कह रहा है कि भाई अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर मास स्केल पे होता रहेगा तो विलेजेस का शोषण होगा, होता ही रहेगा, ठीक है। टेक वंस फुट ऑफ द पेडल, मतलब थोड़ा रिलैक्स करना, हाँ, टू मेक लेस एफर्ट एंड स्टार्ट टू रिलैक्स, ठीक है। साइकिल, अच्छा पैसेज आ गया भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? विच ऑर्गेनाइजेशन मेक्स ब्लॉक्स एंड टाइल्स फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट? व्हाट हैज बीन डेवलप्ड बाय डॉक्टर राजगोपालन गोपालन वासुदेवन, प्रोफेसर एट थेगराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन मदुराई? द अबव पैसेज मेनली टॉक्स अबाउट What makes the recycling of plastic resource intensive? ठीक है, इंडिया जनरेट्स एटलीस्ट 25,940 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डेली, इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ अराउंड 4,300 एलिफेंट्स, 43 एलिफेंट के बराबर वो वेस्ट प्रोड्यूस करती है इंडिया। ऑफ दिस अबाउट 60% गेट्स रिसाइकल्ड, 60% रिसाइकल हो जाता है अकॉर्डिंग टू द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अनुसार आगड़े हैं उनके। द रेस्ट गेट्स डंप्ड इन लैंडफिल्स, बाकी किसमें 40% डंप किया जाता है, मतलब दबा दिया जाता है किसके अंदर, लैंडफिल्स के अंदर, रिसाइकल हो जाता है ना, आर ऑफन डर्टी, रिसाइकल होने के बाद भी वो क्या रह जाता है, डर्टी रह जाता है, विच मेक्स द रिसाइकलिंग प्रोसेस वाटर इंटेंसिव एंड एक्सपेंसिव। अब जो क्या बना देती है, जो रिसाइकलिंग की प्रोसेस को इंटेंसिव और एक्सपेंसिव बना देती है, महंगा बना देती है, और इंटेंसिव मतलब जो रिसोर्सेज का ज़्यादा यूटिलाइजेशन करे वो इंटेंसिव, जिसमें ज़्यादा रिसोर्सेज लगे, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द प्लास्टिक्स बिफोर रिसाइकलिंग दैट मेक्स इट रिसोर्स इंटेंसिव, हाँ वही, जो प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग है ना, साफ करने की प्लास्टिक्स को रिसाइकल करने से पहले, उसकी वजह से वो क्या है, ज़्यादा रिसोर्स खाती है प्लास्टिक रिसाइकलिंग। अ लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू वॉश द कलेक्टेड प्लास्टिक, बहुत सारा पानी चाहिए होता है, स्पेशली इफ इट इज ऑयली और ग्रीसी, as it has to be cleaned with a solvent, एक solvent के साथ उसको साफ करना पड़ता है, said Dr. Sunil Pandey, ये double quotes में है, ये किसने बोला, Dr. Sunil Pandey ने, यहाँ से शुरू, अच्छा, director of environment and waste management, the energy and resources institute, ठीक है, इसके director है। experts say proper waste collection and management is at the core of ensuring more plastics get recycled instead of ending up in landfills and oceans,
ठीक है, एक्सपर्ट का कहना है कि प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन और मैनेजमेंट से ही क्या होगा, प्लास्टिक्स जाने से बचेगा कहाँ पे, लैंडफिल्स और ओशंस में. रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैव कम अप विद इनोवेटिव वेज टू यूटिलाइज द प्लास्टिक वेस्ट. रिसर्चर्स के पास क्या है कि इनोवेटिव वेज, नए नए आइडियाज आ रहे हैं उसको, प्लास्टिक को रिसाइकल करने के, रीयूज करने के, टू बी रिसाइकल्ड फर्दर और आर यूटिलाइज करने के उन प्लास्टिक को, उस प्लास्टिक वेस्ट को दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता या फिर अनरिसाइकलेबल है. ठीक है, एट IIT दिल्ली अ ग्रुप ऑफ केमिकल इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन केमिकली ब्रेकिंग डाउन प्लास्टिक्स टू इट्स स्मॉलर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स एंड देन सिंथेसाइजिंग डीजल आउट ऑफ इट. अब IIT दिल्ली में क्या कर रहे हैं बच्चे, डीजल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. किससे? प्लास्टिक से. द प्रोसेस यूजेस पैकेजिंग मटेरियल. प्रोसेस के अंदर क्या है, कौन कौन से प्लास्टिक यूज हो रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल, पोलीथीन, टेरेप्थेलेट, ठीक है, टेरेप्थेलेट PET बॉटल्स, पोलिस्टाइरीन और मल्टी लेयर पैकेजिंग के जो प्लास्टिक है वो सारे यूज कर रहे हैं वो डीजल बनाने में. ठीक है, द फ्यूल प्रोड्यूस्ड कैन करंटली बी यूज्ड एज अ ब्लेंड इन स्टेशनरी डीजल मशीन्स लाइक जनरेटर्स एंड नीड्स फर्दर टेस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन टू बी यूज्ड एज कमर्शियल डीजल इन व्हीकल्स. अब जो फ्यूल उससे बन रहा है ना, उसको क्या कराया जा रहा है, एक ब्लेंड मतलब मिक्सचर, उसके अंदर तेल के अंदर मिलाया जा रहा है उसको. ठीक है, डायरेक्ट यूज नहीं किया जा रहा. किसके अंदर? डीजल मशीन्स के अंदर लाइक जनरेटर्स के अंदर यूज किया जा रहा है उसको, और अभी उसकी फर्दर टेस्टिंग और स्टैंडर्डाइजेशन बाकी है. ठीक है, कमर्शियल डीजल के रूप में उसको यूज होने के लिए. अ मिक्स ऑफ प्लास्टिक एंड स्टोन हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट अ ब्लॉक दैट कैन बी यूज्ड इन फ्लोरिंग. अब आगे क्वेश्चन आया था ब्लॉक वाला, याद है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से फायदा होता है ये कि भाई सेंटेंस आते ही पता चल जाता है कि भाई आगे क्वेश्चन था कि मिक्स ऑफ प्लास्टिक एंड स्टोन हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट अ ब्लॉक दैट कैन बी यूज्ड इन फ्लोरिंग. फ्लोरिंग मतलब टाइल वगैरह बिछाने के लिए एक मिक्सचर प्लास्टिक का और स्टोन का यूज किया जा रहा है. ठीक है, ACSIR लेबोरेटरी हैज यूज्ड श्रेडेड प्लास्टिक, केमिकली ट्रीटेड इट एंड मिक्स्ड इट विद फिलर्स टू मेक टाइल्स. CSIR वालों ने क्या किया, टाइल्स बना दी प्लास्टिक से. CSIR क्या है? केमिकल सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, ए जर्मन केमिकल प्रोड्यूसर कॉल्ड BASF इज ऑल्सो ब्रेकिंग डाउन वेस्ट प्लास्टिक एंड यूजिंग इट एज ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग मटेरियल ड्राइव फ्रॉम फॉसिल. इससे केमिकल्स, वापस केमिकल्स बनाने की कोशिश की जा रही है BASF के द्वारा. ठीक है, वन कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन वॉज डेवलप्ड बाई राजा गोपालन वासुदेवन. ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, राजा गोपालन वासुदेवन प्रोफेसर एट थियागरजार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन मदुरई. उन्होंने एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दिया है. क्या दिया है? द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज करंटली स्केलिंग अप हिज टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग. स्केलिंग अप क्या चीज है बताइए? स्केलिंग अप होता है बढ़ाना. हाँ, किसी भी चीज को पता है वो क्या करते हैं, IIT वाले क्या करते हैं, IIT वाले नहीं मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, IIT वालों से छोटा मॉडल उठाएंगी, उसको स्केल अप करेंगी. ठीक है, उसको बड़े उस पर लेके जाएंगी. ठीक है, पैमाना बढ़ाना. ठीक है, वही होता है स्केलिंग अप. हिज टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी को स्केल अप करके क्या करते हैं, NHAI क्या बना रही है, प्लास्टिक वेस्ट इन मेकिंग रोड्स बना रही है उससे. ठीक है, तो उसने मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी दी होगी कि भाई रोड बनाने की प्लास्टिक से. ही केम अप विद द आइडिया ऑफ मिक्सिंग प्लास्टिक विद बिटुमन. बिटुमन कोई वो होता होगा भाई, केमिकल. ठीक है, अब उससे क्या बन रहे हैं, वो रोड बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव रोड्स इन 2001. उसने जब 2001 में दे दिया था ये आइडिया प्लास्टिक को मिक्स करके रोड बनाने का. दैट ईयर द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड प्लान टू बैन प्लास्टिक एंड माई कंसर्न बिगैन विद द मोर देन डबल कोट्स चालू हो गए कुछ बात बोली है. दैट ईयर द तमिलनाडु गवर्नमेंट, उस साल तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्लास्टिक बैन कर दिया था. और मेरा कंसर्न क्या था, बिगैन विद मोर देन 1 लाख पीपल एम्प्लॉयड बाई द इंडस्ट्री. मेरा कंसर्न यह था कि भाई जो 1 लाख लोग हैं इस कंपनी ने एम्प्लॉय कर रखे हैं और सारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो कहाँ जाएगा. ठीक है, सिंस प्लास्टिक इज डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम जस्ट लाइक बिटुमन आई थॉट ऑफ यूजिंग इट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन. मैंने इंस्टेड उस प्लास्टिक का क्या किया, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया. ठीक है, द रिजल्ट नॉट ओनली प्लास्टिक वेस्ट वॉज गेटिंग यूटिलाइज द रोड्स वर चीपर एंड स्टडियर.
अब रोड लंबे समय तक टिकने लग गए और क्या हो गए, सस्ते हो गए बनाने. ही सेड द प्लास्टिक वेस्ट डज नॉट हैव टू बी सेग्रीगेटेड एंड इवन मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक्स कैन बी यूज्ड इन द मिक्स. अब इसमें प्लास्टिक्स को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है भाई, ये क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, मल्टी यूज प्लास्टिक है, ठीक है, उसमें मल्टीलेयर प्लास्टिक भी चलेंगे, ठीक है, इवन मल्टीलेयर प्लास्टिक्स. ऑल वी नीड टू डू इज कलेक्ट द वेस्ट, ड्राई इट आउट एंड यूज इट. क्या करना है हमको, सिर्फ कलेक्ट करना है, ड्राई करना है और यूज करना है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ एवरी किलोमीटर ऑफ रोड रिक्वायर्ड 9 टन्स ऑफ बिटुमन. हर एक किलोमीटर में क्या लगती है, लगभग 9 टन बिटुमन लगता है. एंड 1 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, और 1 टन प्लास्टिक वेस्ट लगता है. दिस मीन्स फॉर एवरी किलोमीटर ऑफ रोड, कि हर एक किलोमीटर में क्या है, 1 टन बिटुमन इज सेव्ड, और प्लास्टिक यूज करने के कारण 1 टन बिटुमन बच जाता है, ठीक है, विच कॉस्ट अबाउट 30,000 रुपये, लगभग 30,000 रुपये हर किलोमीटर में बचा लेती है NHAI, ठीक है. विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग द पैसेज, इंडिया जनरेट्स एटलीस्ट 25,940 टन्स ऑफ, यही था आंकड़ा तो, ठीक है. द फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट कैन बी यूज एज ए ब्लेंड इन स्टेशनरी डीजल व्हीकल्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही है. देन NHAI ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू यूज प्लास्टिक वेस्ट इन मेकिंग रोड, बिल्कुल सही है. इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रोड 9 टन्स ऑफ बिटुमन इज सेव्ड बाय, हाँ तो लास्ट लाइन में क्या था, 1 टन बिटुमन बचता है. विच ऑर्गेनाइजेशन मेक्स ब्लॉक्स एंड टाइल्स फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट, CSIR, ठीक है, ब्लॉक्स और टाइल्स किसने बनाई थी, CSIR ने. What has been developed by Dr. Rajgopalan Vasudevan, professor at Thegarjar College of Engineering in Madurai? क्या किया था इसने, एक मेथड निकाला था रोड बनाने का, हाँ, मेथड फॉर यूजिंग प्लास्टिक फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है. द अबव पैसेज मेनली टॉक्स अबाउट, ये बढ़िया क्वेश्चन होता है वैसे, ये थोड़ा हाँ बिल्कुल सही है वैसे, ये पुटिंग द प्लास्टिक वेस्ट टू यूज, प्लास्टिक वेस्ट का यूज कैसे करें ये बात करी है उसने, प्रॉब्लम्स की बात नहीं करी उसने, ना तो उसने ये बताया कि भाई आदमी मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, ठीक है. द नीड फॉर रिसर्च, रिसर्च की नीड नहीं बताई उसने, सिर्फ बताया कि भाई उसका यूज कैसे करें, ठीक है. वट मेक्स द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्ट रिसोर्स इंटेंसिव, एक्सेसिव रिसोर्स का यूज करने वाला कौन बना देता है रिसाइकलिंग को, क्लीनिंग है ना, क्योंकि उसको क्लीन करना पड़ता था प्लास्टिक को, द क्लीनिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, समझ गए. स्टैंडिंग इन एंकल डीप वॉटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट प्रॉब्लम आर द फार्मर्स ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट इन MP फेसिंग, इन वेस्टर्न MP वेयर सीहोर इज सिचुएटेड, व्हाट इज द नॉर्मल एवरेज रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. Who among the following took on 6 acres of land for soybean cultivation in addition to his original 10 acres of land? पहले ग्रामर कर लेते हैं. The manager put forward a number of criterions. हाँ, criteria, इसका criteria, इसका singular criteria, ठीक है, sorry plural. प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया, और ये सिंगुलर क्राइटेरिया. इसी तरह बैक्टीरिया प्लूरल होता है, और बैक्टीरियम क्या होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है. इसी तरह डाटा प्लूरल होता है, और डेटम सिंगुलर होता है, ठीक है. और भी बहुत एग्जांपल्स हैं इसके, ध्यान रखना, ठीक है. तो यहाँ क्या आएगा, क्राइटेरिया. I was fascinated Chakajun by fascinated के साथ fixed preposition है almost, ये तो ठीक वो कर दिया होगा बिल्लू ने ऊपर नीचे. My classroom has been almost empty all week because one kid afflicted मतलब किसी के ऊपर डालना कोई भी चीज, ठीक है. afflict कई बार pain में भी use होता है कि ना, he is afflicting pain, मतलब दर्द दे रहा मेरे को, ठीक है. अफ्लिक्टिंग अफ्लिक्टेड द अदर्स विद, अफ्लिक्ट के साथ विद हमेशा, ही अफ्लिक्टेड मी विद पेन, ठीक है, तो ही गेव मी पेन, ठीक है, समझ पा रहे हो.
तो अफ्लिक्टेड विद. द टीम हैज सेवरल टैलेंटेड यंग प्लेयर्स वेटिंग इन द विंग्स. इन द विंग्स अभी पर छोटे उनके, ठीक है, रेडी टू डू समथिंग और टू बी यूज्ड एट द एप्रोप्रिएट टाइम. ठीक है, दो पैसे रह गए. अब स्टैंडिंग इन एंकल डीप वॉटर एंगल्फिंग इज फील्ड कमल सिंह ढांगर टेक्स अ वाइल्ड शॉट. ये वाइल्ड शॉट क्या है? एट द लाइकली यील्ड फ्रॉम सोयाबीन क्रॉप दैट प्रैक्टिकली लाइज इन रूइंस बिहाइंड हिम. बता सकता है कोई वाइल्ड शॉट क्या है? वैसे अच्छा गैस है शॉट. ठीक है, स्टैंडिंग इन एंकल डीप. एंकल डीप मतलब एंकल से पानी आया हुआ है. ठीक है, एंकल डीप वाटर, इतने पानी में खड़े हुए. इंगल्फिंग मतलब जिसने निगल लिया है किसको, उसकी फील्ड को. कमल सिंह, कमल सिंह क्या कह रहा है? टेक्स, ले रहा है एक वाइल्ड शॉट. वाइल्ड शॉट मतलब ये कैमरा वाला शॉट है ना, टेक ए शॉट. ठीक है, तो वो देख रहा है एंकल में यहाँ खड़ा हुआ, पानी में खड़ा हुआ. टेक्स अ वाइल्ड शॉट मतलब एक रैंडम शॉट ले रहा अपनी फील्ड का. एट द लाइकली यील्ड कि भाई क्या यील्ड होगी, ऑलमोस्ट मतलब यील्ड मतलब कितनी प्रोडक्शन होगी, मेरी फसल खराब हो गई है तो. ठीक है, फ्रॉम द सोयाबीन क्रॉप दैट प्रैक्टिकली लाइज इन रूइंस, जो ऑलमोस्ट रूइंड खराब हो चुकी है. ठीक है, बिहाइंड हिम जो उसके पीछे सारी जो खराब हो चुकी है. वन बैग टू बैग्स विद डिफिकल्टी, ये सोच रहा हो दिमाग में कितना निकलेगा इससे, एक 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 बोरा दो बोरा. ठीक है, मुश्किल से. नोट दी 50 ईयर ओल्ड, नोट करता है कौन, 50 ईयर 58 साल का आदमी विद ए राई स्माइल. राई मतलब थोड़ा सा परेशानी वाली स्माइल देते हुए. मिनट्स आफ्टर ए फ्रेश स्पेल ऑफ रेन्स हैज लैश्ड गुरडिया सिराजुद्दीन विलेज इन आस्था तहसील ऑफ मध्य प्रदेश सीहोर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, अब किसके बाद, मिनट्स आफ्टर कुछ मिनटों बाद किसके, एक फ्रेश स्पेल. स्पेल क्या होता है? जादू. ठीक है, एक फ्रेश स्पेल मतलब जादू किया गया किसका, बारिश का जो हुआ है किसके ऊपर, लास्ट मतलब छोड़ दिया गया है किसके ऊपर, गुरडिया सिरुजुद्दीन गांव के ऊपर आस्था डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, समझ पा रहे हो, पोइट्री यूज कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी. वाइल द सेम 3 acre प्लॉट हैड गिवन नियरली 16 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन लास्ट ईयर, धांगड़ दिस टाइम इज एंट श्योर ही कैन इवन अफोर्ड लेबर्स टू हार्वेस्ट द नेग्लिजिबल प्रोड्यूस स्टेयरिंग इन हिज फेस. जबकि पिछली बार उसने क्या दिया था, उसी जमीन ने क्या दिया था, लगभग 16 क्विंटल प्रोड्यूस दिया था. ठीक है, और इस साल तो वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा किसको, लेबर्स, लेबरर को. ठीक है, लेबर भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो इस बार, क्योंकि प्रोड्यूस क्या है, लगभग नेग्लिजिबल. ही ड्रॉज सोलेस. सोलेस मतलब सांत्वना लेना या फिर थोड़ा शांत करना. अपने आप को शांत कैसे करता है, कैसे करता है, ओनली फ्रॉम हिज नॉट बींग अलोन. बस यही सोच के शांत हो जाता है कि भाई वो अकेला नहीं है जिसकी फसल खराब हुई है. मोस्ट फार्मर्स इन गुरडिया सिराजुद्दीन एज वेल एज नेबरिंग विलेजेस हैव रिपोर्टेड वाइड स्प्रेड डैमेज टू देयर ऑलरेडी मैच्योर्ड स्टैंडिंग क्रॉप. उसके अलावा बहुत सारे फार्मर्स गुरडिया के अंदर और नेबरिंग विलेजेस के अंदर उन्होंने क्या रिपोर्ट करा है, एक वाइड स्प्रेड बहुत बड़े पैमाने का क्या डैमेज उनकी मैच्योर्ड मतलब जिसकी काटने की उम्र हो गई थी ना फसल की, हाँ पक्की पकाई जो, हाँ जो वो थी फसल वो डैमेज हो गई है, रिपोर्ट आई है. ठीक है, गुलाब सिंह, अब गुलाब सिंह नया बंदा है. न्यूज़पेपर रिपोर्ट लग रही है, अलग सी न्यूज़पेपर रिपोर्ट फील हो रही है क्या, ये अलग से फील नहीं हो रहा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है क्या, नहीं अच्छा न्यूज़पेपर में फील नहीं होता कि भाई गुलाब सिंह का कहना है कि भाई उनकी 10 acre जमीन खराब हो गई, फसल खराब हो गई, ऐसे ही नहीं लिखते हैं, ऐसे ही बोलते, रिपोर्टर बोलते नहीं है. थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा करो भाई, थोड़ा पता चल जाएगा कि ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, अलग से पता चल रहा है, एडिटोरियल है ये. गुलाब सिंह हु ओन्स, जिसके पास क्या है, 10 acre नॉट फार फ्रॉम धांगड़ फील्ड, धांगड़ के जो खेत है उससे ज़्यादा दूर गुलाब सिंह के खेत हैं, 10 acre हैं, और इज रूइंग. रूइंग का मतलब पता है किसी को, ये रू से बना है, रू, आर यू ई, रू मतलब रोना, पछताना,
ठीक है, और उसकी जब वी वन प्लस आई एन जी क्या बना दी, आर यू आई एन जी, ई एट आगे, ठीक है, हाँ ठीक है, ये रू का दाम्बीवाल सर ने ट्रिक दे रखी है, वह बहुत रोई, ठीक है, तो रोइंग हिज डिसीजन टू हैव टेकन एंड एडिशनल 6 acres ऑफ लैंड, उसने क्या कराया, अब पछता रहा है किस पे, अपने डिसीजन पे, जो उसने डिसीजन लिया था, उसने एडिशनल 6 acres लैंड और ले ली थी लीज पे फॉर कल्टिवेटिंग, किसके लिए, सोयाबीन उगाने के लिए एंड वीट और अनाज उगाने के लिए दिस ईयर, ठीक है, आई हैव पेड द ओनर ₹15 lakh, अब ये कहना है किसका, डबल कोट्स में है, किसने कहा है ये बताओ, हाँ गुलाब सिंह का कहना है कि मैंने भाई आई हैव पेड द ओनर, मैंने ₹15 lakh दे चुका हूँ लीज के लिए, ठीक है, सॉरी 1.5 lakh, बाय नाउ दिस सोयाबीन क्रॉप शुड हैव बीन रेडी फॉर टेकिंग टू आस्था मंडी, अब तक तो इस सोयाबीन की क्रॉप जो है खराब होगी ना, इसको तैयार हो जाना चाहिए आस्था मंडी के लिए, ठीक है, जो क्या है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट है, कहाँ, तहसील टाउन में, अबाउट 10 किलोमीटर अवे, 10 किलोमीटर दूर, बट माई एक्सपेंसिव परस्यूट, परस्यूट मतलब परस्यूट मतलब कोई भी जोश आइडिया या फिर कोई भी जैसे एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो होता है लगभग परस्यूट, ठीक है, मेरा एक नया परस्यूट ये है कि मैं करना चाहता हूँ एक नया आइडिया है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है ना, तो वही है पीछा करना किसी चीज़ का, तो बट माई एक्सपेंसिव परस्यूट हैज़ प्रूव्ड कॉस्टली, ठीक है, अब वो बहुत ही महंगा पड़ गया मेरे को, ठीक है, रिमार्क्स दी 60 year old, अब ये 60 साल का कौन है, हाँ गुलाब सिंह, ये रिमार्क किसने दिया है, 60 साल के बूढ़े ने दिया है, हु टू कैन नॉट एंटर हिज फील्ड विदाउट वेंडरिंग थ्रू वाटर ऑलमोस्ट टचिंग दी नीज, अच्छा ये डबल कोट्स कहाँ चालू हुए थे, यहाँ से, ठीक है, हाँ ये गुलाब सिंह ही है, अब गुलाब सिंह के साथ भी क्या हुआ है, उसके उसके खेत में भी क्या हो गया है, घुटनों तक पानी आ गया है, ठीक है, एक के कहाँ तक, एंकल तक था और एक के घुटनों तक, ठीक है, सीटेड एट द एज ऑफ हिज फ्लडेड फील्ड, अब अपनी जिसमें पानी भरा पड़ा उस फील्ड के कोने में बैठा है, अ फ्यू 100 meters अवे देव सिंह ए स्प्राइटली ऑक्टाजनेरियन कैन नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन द मॉनसून रेन्स कॉज्ड सच लेट स्टेज हैवॉक, लेट स्टेज हैवॉक क्या है, लेट स्टेज हैवॉक है मतलब आखिरी जब कटाई आ गई थी ना ऑलमोस्ट, जब क्या होगी तबाह होगी फसल, और वो कह रहा है कि मेरे को तो लास्ट टाइम याद भी नहीं है ऐसा कब हुआ था, ऑक्टाजेनेरियन 80 साल से ऊपर, हाँ ठीक है, आई मे हैव बीन दिस बिग, आई मे मैं लगभग इतना बड़ा था, ही सेज पॉइंटिंग टू अ मैन अ मैनी डेकेड्स यंगर, जो दस को छोटा उससे ना, उसकी तरफ क्या कह रहा, मैं इतना लगभग इतना था, इतना छोटा था जब ऐसा मैं लास्ट देखा था ऐसा होते हुए, ठीक है, वेस्टर्न MP इन विच सीहोर फॉल्स हैज रिसीव्ड इतना mm ऑफ एवरेज रेनफॉल 1 जून ये टू 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर, 1 से 25 सितंबर तक कितनी है 1335.4 mm एवरेज रेनफॉल हुई है MP में, 58% मोर देन दी रीजन्स हिस्टोरिकल नॉर्मल ऑफ, हिस्टोरिकली नॉर्मल उसकी एवरेज कितनी थी 845.3, उससे 58% ऊपर अब की बार क्या हुई है रेनफॉल, समझ गए, हाउएवर द रियल स्टोरी लाइज इन दी मंथ वाइज फिगर्स, अब एवरेज को देखे तो 58% बढ़ा है, लेकिन वो एवरेज क्यों बढ़ा है, रियल स्टोरी उसके भी एंड क्या है, वो कहाँ लाई करती है, मंथ वाइज फिगर्स, फिगर्स क्या होती है नंबर्स आंकड़े, ठीक है, वो कहाँ लाई करता है, महीने वाइज अगर आंकड़े देखेंगे ना तो रियल रीजन वहाँ लाई कर रहा है उसका, क्या है आगे देखते हैं, इन जून द ओपनिंग मंथ ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून का जो ओपनिंग मंथ होता है जून मानसून सीजन, द रेंज वर एक्चुअली 25.6% बिलो द लॉन्ग पीरियड एवरेज, इतने साल का जो एवरेज था ना उससे 25.6% तो कमी थी जून में, ठीक है, इन जुलाई दे वर 31.2% अबव, जबकि जुलाई में 31.2% ऊपर थी,
दैट सरप्लस रोज टू 63.6% इन अगस्त, एवरेज बेशक 58% ज्यादा हो, लेकिन वो सारा कारण कहाँ है, अगस्त है। अगस्त में क्या करा, सरप्लस मतलब ऊपर का, ऊपर ठीक है, ऊपर का जो है वो बढ़ गया कितना, 63.6% बढ़ गया अगस्त में वाइल वूपिंग, और 158% कहाँ बढ़ गया, मोर सो फार इन सितंबर, सितंबर में 158% बढ़ गया, टिल सितंबर, टिल सितंबर मतलब इसका मतलब ये आर्टिकल कहाँ है, सितंबर का है, समझ पा रहे हो, जिसे रिपोर्ट आई है कंफर्मिंग देव सिंह ऑब्जर्वेशन, देव सिंह ने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई, ठीक है। वर्स, देयर इज लिटिल रेस्पाइट विद मोर रेन्स प्रेडिक्टेड ओवर द नेक्स्ट वर्स, और भी बुरा क्या है कि देयर इज लिटिल रेस्पाइट, बहुत ही कम आराम, रेस्पाइट आराम, ठीक है, अब भी बहुत ही कम आराम है, क्योंकि विद मोर रेन्स प्रेडिक्टेड, अब भी और भी रेन्स, और भी बारिश होनी प्रिडिक्ट कर रखी है, कब तक, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक, किसने, मानसून वालों ने, है ना, वेदर बॉयज, द मानसून हैज टेकन इट्स टोल, टेक इट्स टोल फ्रेज, टेक इट्स टोल मतलब किसी के ऊपर अपना मतलब जान निकाल लेना, या फिर है इट्स टोल मतलब अपना जो कर्ज है ना वो निकाल लेना किसी के अंदर से, ठीक है। द मॉनसून हैज टेकन इट्स टोल मेनली ऑन सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर से उसने अपना वो निकाला है, कुछ सा लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। जैसे कोई भी बीमारी हो जाती है तो कैंसर जैसे कुछ भी है यार, बीमार कर देता आदमी को अंदर से, तो वो बोलते हैं कि भाई कैंसर इज टेकिंग इट्स टोल, मतलब कैंसर उसके साथ बुरा कर रहा है, मतलब गुस्सा निकाल रहा है एक तरह से अपने उसके ऊपर, उसको टेकिंग इट्स टोल बोलते हैं, ठीक है, मेनली ऑन सोयाबीन। अकॉर्डिंग टू द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री के डाटा के अनुसार अ टोटल एरिया ऑफ इतना लाख हेक्टेयर्स हैज बीन प्लांटेड अंडर दिस लेग्यूमिनस ऑयल सीड, लगभग इतने लाख हेक्टेयर जो है इस लेग्यूमिनस ऑयल सीड के अंडर है। अब ये क्या है, कौन सा लेग्यूमिनस ऑयल सीड, कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं, सोयाबीन की, ठीक है। तो ये साइनोनियम उसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, बता दूंगा थोड़ी देर में, सूडोनेम्स बोलते हैं शायद, वो यूज करते हैं, उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं उसको किसी और वर्ड से, ठीक है। इन दी करंट खरीफ सीजन, अभी खरीफ सीजन में कितना, 113.4 लाख, विद द बल्क ऑफ इट अकाउंटेड फॉर, बल्क मतलब मैक्सिमम उसके अंदर से क्या है, एमपी के पास है कितना, 55.16 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है, और महाराष्ट्र के पास है 39.595 लाख हेक्टेयर्स, एंड राजस्थान 10.608 लाख हेक्टेयर्स, समझ गए, इतना एरिया। विद इन एमपी द मेन सोयाबीन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर उज्जैन, एमपी के अंदर अंदर मेन सोयाबीन उगाने वाले डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, उज्जैन, देवस, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, राजगढ़, शाहजहाँपुर, सीहोर और विदिशा। द क्रॉप इन लो लाइंग एरियाज इज द वन दैट हैज बीन वर्स्ट हिट, लो लाइंग एरियाज जो होते हैं, जैसे ये पहाड़ है, ये होता है लो लाइंग एरियाज, ये हिली एरिया और ये लो लाइंग एरिया जो थोड़ा नीचे होता है रिलेटिवली निचाई पे, उस पे सबसे बुरा असर पड़ा है, क्यों पड़ा होगा, क्योंकि भाई पानी यहाँ तो रुकता ही नहीं होगा, पानी यहाँ रुकता होगा, समझ पा रहे हो, तो इसीलिए लो लाइंग एरियाज पे क्या हुआ है, ज्यादा फर्क पड़ा है, हैव बीन वर्स्ट अफेक्टेड, समझ गए। फार्मर्स हु हैड सोन अर्ली, जो फार्मर्स ने जो अर्ली मैच्योरिटी 80-90 डेज ड्यूरेशन वैरायटी, अर्ली मैच्योरिटी मतलब जल्दी जवान होने वाली फसल जो जिन्होंने उगाई थी ना, जिन फार्मर्स ने, जैसे कि JS 9560 एंड JS 2034, जस्ट आफ्टर मिड जून के बाद विल टेक द बिगेस्ट हिट, सबसे बड़ा हिट क्या होगा, उन्हीं के ऊपर होगा जिन्होंने अर्ली मेच्योरिटी की क्रॉप उगाई थी, ठीक है, वो भी मिड जून में। देयर क्रॉप वुड ऑलरेडी है मेच्योर्ड, उनकी क्रॉप अब तक मेच्योर हो गई होगी, एंड द लॉन्गर इट रिमेन्स इन द फील्ड द मोर द चांसेज ऑफ द ग्रेन रोटिंग, और जब तक वो खेत में रहेगी उतनी ज़्यादा जल्दी उसके चांसेज क्या हैं सड़ने के, बारिश ज़्यादा हो रही है ना, ठीक है। ऑल्सो दीज फार्मर्स विल नॉट बी एबल टू सेव दिस ग्रेन फॉर यूजिंग एज सीड नेक्स्ट ईयर, और उसी के कारण इस सोयाबीन को बचा भी नहीं पाएंगे किसके लिए, अगले साल बीज के तरह भी इसको यूज नहीं कर पाएंगे।
एडमिट्स वीएस बाटिया, बोला किसने? वीएस बाटिया ने, डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च एट इंदौर. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. पैसेज के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? 22 सितंबर सोयाबीन क्रॉप शुड हैव बीन, सितंबर की तो बात चल रही है ना अभी, और अभी मैच्योर हो ही गई है सबकी. सितंबर की बात कर रहा था ना मैं, आर्टिकल सितंबर में लिखा गया है. ठीक है, तो 3 एकड़ प्लॉट ऑफ कमल सिंह हैड गिवन नियरली 16, हाँ 3 एकड़ कमल सिंह का कितने दिया था उसने? 16 क्विंटल. थ्री एकड़ प्लॉट हैड गिवन 16 क्विंटल. ठीक है, किसका था? कमल सिंह का था ना. कमल सिंह. ठीक है, इन जुलाई अगस्त एक्चुअल रेनफॉल वॉज 25.6% बिलो दी लॉन्ग पीरियड एवरेज. जुलाई अगस्त में क्या थी? 25.6% नीचे, 25.6% बिलो दी लॉन्ग पीरियड एवरेज. इन जून द ओपनिंग मंथ ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, वो जून की बात कर रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब वो गलत हो गया. तो ये ठीक है, तो सी आंसर हो गया. द प्रॉब्लम आर दी, व्हाट प्रॉब्लम आर द फार्मर्स ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट इन एमपी फेसिंग? क्या क्या प्रॉब्लम्स? बस, हैज डैमेज देयर सोयाबीन क्रॉप. इन वेस्टर्न एमपी वेयर सीहोर इज सिचुएटेड विद, व्हाट इज द नॉर्मल एवरेज रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर? कितनी थी? मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. वर्ड्स मीनिंग हैवॉक, तबाह करना किसी चीज को, तो क्लैमिटी, आपदा. ठीक है, परस्यूट, पीछा करना, अंडरटेकिंग. ठीक है, ठीक है, एंगल्फ, निगलना, सबमर्ज, डूबना, आसपास ही होते हैं ये. C2 A3 D. ठीक है, समझ गए ना? होमंग द फॉलोइंग टू कौन 6 एकड़ 6 एकड़ और किसने लिए दी? गुलाब सिंह ने 6 एकड़ ली थी और फिर उसकी भी, वो भी नुकसान हो गया था. है सर, डाटा से कई बार नहीं मिलेगा भाई आपको, कई बार पेपर पूरा पढ़ लो जल्दी जल्दी, आज तो टाइम बहुत था. वो जानबूझ के बड़े कर रखे हैं पैसे, जानबूझ के पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पैसे जानबूझ के बड़े कर रखे ताकि टाइम पीरियड तो पूरा हो. आज भी 15-15 मिनट पहले उठ के बच्चे. हाँ, कई बच्चों बता रहे थे कि सर पैसे पढ़ने की जरूरत नहीं थी. पर नुकसान होगा उससे. तानसेन आ गया. पैसेज भी इसीलिए करवा रहा हूँ कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा क्लोज टेस्ट पैसेज जो कॉम्प्रिहेंशन वीक है, नहीं तो पैसेज तो मेरे हिसाब से आपका सबका ठीक ही होगा आंसर. तो वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ही लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा था कि वो बच्चा जैसे समझ रहा है वैसे ना समझे उसको, कि भाई जो अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है हम उसी से चलते रहते हैं, है ना. रियल सेंस उसकी कुछ और होती है. बता रहा था ना बीच चीज में कि भाई शॉर्ट क्या था, है ना, टेक इट स्टॉल क्या है, उन पे ध्यान नहीं देता बच्चा उस टाइम. तो न्यूज़ पेपर रीडिंग के साथ मेरी यही दिक्कत है कि बच्चे न्यूज़ आएगा पेपर में, लेकिन उसमें क्या है, बच्चा पढ़ता रहेगा, उसको सिर्फ एक एसेंस चाहिए थोड़ी सी कि भाई पूरा पैसेज पढ़ लिया, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई हाँ भाई इस पैसेज में यह दिया होता. ठीक है, उसमें बच्चा आगे बढ़ जाएगा. नॉवल में क्या खास बात है, नॉवल में अगला सेंटेंस पढ़ा ना, पिछला अगर नहीं समझ आया ना तो स्टोरी खराब होगी, फिर उससे वो समझने की कोशिश करेगा उसको. हाँ, फिर वो समझेगा उस चीज को. न्यूज़पेपर में एफर्ट कहाँ डालता बच्चा, खड़े रहते हैं यहाँ पढ़ते रहते हैं. पर रीडिंग मत छोड़ना. वाई डिड हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड? वाई डिड अकबर से तानसेन टू ज्वाइन स्कॉट
ask Tansen. Ask Tansen. Yeah? ये हाँ ये आसान था, स्टोरी सब नहीं सुन रखी होगी लगभग पहले भी. हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन? वट डिड दी अदर कंट्रीज फील अबाउट तानसेन? कंट्रीज नहीं, कोर्टियर्स, सॉरी, कोर्टियर्स मतलब दरबारी. वाई डिड तानसेन्स एनिमीज वॉन्ट हिम टू सिंग दी दीपक राग? You may have heard the name Tansen, ठीक है, the greatest musician of our country. अपनी country ने आज तक का जो greatest musician जो पैदा किया है वो कौन है? Tansen. A singer called, एक singer मुकुंदन मिश्रा and his wife lived in बेहत. मुकुंदन मिश्रा और उसकी wife बेहत में रहते थे, कहाँ? ग्वालियर, ग्वालियर के पास. Tansen was their only child. Tansen उनका इकलौता बेटा था. It is said that he was a naughty child. शरारती बच्चा था. Often he ran away to play in the forest. भाग जाता था जंगल पे खेलने के लिए. And soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. Birds and animals की आवाज उसने कॉपी करना सीख लिया. Imitate. Imitate मतलब कॉपी करना, ठीक है, चिंपैंजी जैसे इमिटेट करता है. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Disciples. चेले, अपने चेलों के साथ कौन जा रहा था? स्वामी हरिदास जंगल से जा रहा था. एक बार फेमस सिंगर था वो. डिसाइपल्स, 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 डिसिप्लिन अलग चीज है. डिसाइपल्स टायर्ड, थककर. टायर्ड थककर द ग्रुप सेटल डाउन. ग्रुप रुका उनका, किन का? स्वामी हरिदास का, ठीक है, जंगल से जा रहा था. इन ए शेडी ग्रूव, ग्रूव होता है पेड़ों का झुंड, जो छायादार था वहां रुका. और तानसेन सो देम, तानसेन ने उनको देख लिया क्योंकि वो जंगल में खेलने गया होता. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपना को कहा, जंगल के अंदर मंगल. जंगल के अंदर अजनबी, ठीक है. He said to himself, it will be fun, मजा आएगा, to frighten them, उनको डराने में, ठीक है. He hid behind a tree, एक पेड़ के पीछे छिप गया, and roared like a tiger, और शेर की तरह उसने दहाड़ मारी. क्यों? जानवरों को कॉपी करना सीख ही गया था. The little group of travelers scattered in fear, और वो डर के इधर उधर हो गए, ठीक है. Travelers, स्वामी हरिदास called them together. स्वामी हरिदास ने उनको वापस दोबारा बुलाया. Don't be afraid, मत डरो मत, he said. Tigers are not always dangerous. शेर हमेशा dangerous नहीं होते. Let us look for this one. Suddenly, one of his men saw a small boy. और फिर उनके एक आदमी ने क्या किसको देख लिया, छोटे बच्चे को देख लिया, hiding behind a tree, एक पेड़ के पीछे छिपते हुए. There are no tigers here, master. Master किसी भी अपने, हाँ उस्ताद, हाँ उस्ताद, हाँ उस्ताद, शेर नहीं है इधर. He said, only his naughty boy, only this naughty boy. सिर्फ एक शरारती बच्चा है ये. स्वामी हरिदास did not punish him, उसने उसको पनिश नहीं किया. He went to Tansen, Tansen के फादर के पास ले गया उसको. किसको? Tansen को, हरिदास, and said, your son is very naughty, बहुत ही शरारती है. He is also very talented, लेकिन वो बहुत talented है. I think I can make him a good singer, मैं सोचता हूँ कि मैं इसको एक बढ़िया सिंगर बना सकता हूँ. Tansen was 10 years old when he went away with Swami Haridas. और 10 साल का तानसेन हरिदास के साथ निकल गया. He lived with him for 11 years, 11 साल तक उसके साथ रहा. Learning music, music सीखता, and became a great singer, बहुत बड़ा सिंगर बन गया. At about this time his parents died, लेकिन 21 साल का था, पेरेंट्स मर गए. मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर. मुकुंदन मिश्रा की taken to the court of रानी मृगनैनी, ठीक है. तानसेन कई बार घोष के पास चला गया, अब वो, ठीक है, उसके साथ रहते हुए कई बार कहाँ जाता था, रानी मृगनैनी के कोर्ट में जाता था. कोर्ट मतलब दरबार, ठीक है. हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो खुद में अपने आप में क्या थी, ग्रेट म्यूजिशियन, ठीक है. अब कई बार इंग्लिश में रीजनिंग में ये सवाल बहुत पूछा जाता है भाई, कि सर ये हु जो है ये किसके साथ लगा हुआ है?
इसी के साथ लगा होता है ये, ठीक है। पी हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू, है ना। आर इज लेफ्ट टू पी हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू। तो पूछते हैं हु आर के लिए है या हु पी के लिए है, हु पी के लिए है, समझ पा रहे हो। तो ये इंग्लिश है, सिंपल है। हाँ, मृग नैनी जो कि क्या है, एक बहुत बड़ी सिंगर है अपने आप में, हरसेल्फ, समझ पाए, ठीक है। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज, मिला किससे, एक लेडी थे और उससे शादी करी, ऑफ द कोर्ट, जो जो खुद दरबार में आती थी, हर नेम वॉज हुसैनी, सुंदर थी शायद हुसैनी, ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल, वो भी स्वामी हरिदास की क्या बन गई, चेली बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड फाइव चिल्ड्रन, पांच बच्चे हुए, हाउ रोमांटिक, हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, और बच्चे भी क्या थे, काफी म्यूजिक में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तानसेन हैड बाय दिस टाइम, और इस समय तक क्या, बिकम वेरी फेमस, तानसेन बहुत फेमस हो चुका था जब तक उसके पास पांच बच्चे हुए, जब तक। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, कई बार वो अकबर के सामने भी गाता था, एम्परर, वो शायद नवाब होता होगा ग्वालियर का, मोहम्मद घोष, और ये एम्परर उनसे ऊपर, सबसे ऊपर। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड, जोर देते थे किसके ऊपर, कि तानसेन तुम यार ज्वाइन करो कोर्ट को, ठीक है, हाँ दरबार को। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, 1556 में उसने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग आ गई उसकी, एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, एम्परर का फेवरेट बन गया। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, दिन रात किसी भी टाइम अकबर बुला लेता था किसको, तानसेन को, गाने के लिए, ठीक है। क्वाइट ऑफन, कई बार ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस, कई बार तानसेन के घर चला जाता था टू हियर हिम प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस करते हुए सुनने के लिए बस। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उसको काफ़ी तोहफे दिए, सम ऑफ द कोर्टियर्स, कुछ दरबारी जो हैं बिकेम जेलस, उससे जलने लगे तानसेन से, ठीक है। वी शैल नेवर बी एबल टू, हाँ, दरबारी, कोर्ट, दरबारी, कोर्टियर्स, समझ गए, एंड वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, हम आराम नहीं कर सकते जब तक, टिल तानसेन इज रुइंड, जब तक तानसेन बर्बाद नहीं हो सकता था, हाँ इस लेवल पे वे जलते थे। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया ये, ठीक है, हम रेस्ट नहीं करेंगे जब तक तानसेन बर्बाद नहीं होता, ठीक है। वन ऑफ द कर्टियर्स शौकत मैन, एक शौकत मैन ने क्या किया, हैड अ ब्राइट आइडिया, उसके दिमाग में आइडिया आया, लेट अस मेक हिम सिंग और राग दीपक, उससे राग दीपक गवाते हैं, ठीक है। ही सेड हाउ विल दैट हेल्प अस, किसी ने पूछा होगा, आस्क्ड अनदर मैन, ठीक है, किसी दूसरे ने पूछा, उससे हमारी क्या मदद होगी राग दीपक गाएगा तो बताता है, इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, अगर अच्छे से गाया जाए राग दीपक, इट मेक्स द एयर सो हॉट, उससे हवा इतनी गर्म हो जाती है कि द सिंगर इज बर्न टू एशेज, राख हो जाती है सिंगर गाने वाले की, बर्न टू एशेज, ये ऐसे ही यूज होता है, ध्यान दिया करो पढ़ते वक्त, कई बार क्या करेगा, बर्न की जगह टू हटा के इन कर देगा, ऑप्शन में इन दे देगा, टू दे देगा, ऑफ दे देगा, फ्रॉम दे देगा, तो क्या आएगा, हमेशा टू आएगा। कई मेरे से आगे पूछेंगे कि सर बर्न इन एशेज क्यों नहीं होगा, है ना, इसका यूज ही ऐसे होता है, बर्न टू एशेज, राख बना दिया उसको, ठीक है। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत बड़ा सिंगर है, इफ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाएगा, ही विल डाई, तो वो मरेगा, एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हम उससे छुटकारा पा लेंगे, रिड के साथ ऑफ हिम, ठीक है, गेट रिड ऑफ हिम, उससे पीछा छुड़ाओ, ठीक है, गेट रिड विद हिम नहीं, गेट रिड विद हिम करेगा कई बार, विद हिम दे देगा, तो ये चीजें होती हैं ध्यान देने की, ठीक है। गेट रिड ऑफ हिम, शौकत मैम वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, उस वो अकबर के पास गया और कहा हम नहीं सोचते कि तानसेन क्या है, बहुत बड़ा सिंगर है, लेट अस टेस्ट हिम, हम टेस्ट करेंगे उसको, टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसको बोलो कि राग दीपक गा के दिखाए, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट, सबसे बड़े सिंगर्स ही गा सकते हैं उसको प्रॉपरली। अब किसने बोला फिर उसके बाद, ऑफकोर्स ही कैन सिंग इट, ऑफकोर्स वो गा सकता है, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है, सेड अकबर, अकबर ने कहा इतराते हुए, ठीक है। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन डर गया, बट कुड नॉट डिसओबे, लेकिन अपने किंग के अगेंस्ट नहीं जा सकता, ओबे के बाद, डिसओबे के बाद डायरेक्ट द प्लस नाउन, ठीक है, ये दिख रहा है,
ओबे हिम, ओबे, ठीक है, या फिर प्रोनाउन, ठीक है, डिसओबे योर मदर, ठीक है, ऐसे होता है। ये चीज नोटिस करते हो क्या? ओके, ठीक है, वेरी वेल माई लॉर्ड, बिल्कुल बिल्कुल मेरे आका। ही सेड बट गिव मी टाइम, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए प्रिपेयर करने के लिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन सो मोर डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी। डाउन कास्ट होता है सैड, डिजेक्टेड, इंसल्टेड, है, डीमोटिवेटेड। आई कैन सिंग दी रागा, मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बताया उसने। बट द हीट इट गिव्स ऑफ, लेकिन जो उससे हीट निकलती है ना, गिव्स ऑफ, बाफ निकलना, स्टीम इट गिव्स ऑफ, हीट इट गिव्स ऑफ, ठीक है, जो लपटे निकलना जो होता है ना, वो गिव्स ऑफ होता है, ठीक है। हवा इतनी गर्म हो जाती है उससे, हाँ, अरे जो हवा नहीं दिखती ऐसे ऐसे चलती चलती है, वो गिव्स ऑफ, वो फील होता है जी, हाँ, राग से, हाँ, दीपक राग इसीलिए उसको बोलते हैं, ठीक है। विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, उससे सिर्फ दीपक नहीं चलेंगे, उससे मैं भी जल जाऊंगा, विल बर्न मी टू एशेस, ठीक है। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया, इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, अगर साथ साथ कोई राग मेघ गा देना एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और अच्छे से गाए, इट विल ब्रिंग रेन, उससे बारिश आ जाएगी। Perhaps your daughter Saraswati and her friend Rupavati could do it. शायद सरस्वती और रूपवती यह कर देंगी, मैं बच जाऊंगा, ठीक है। He said he taught the two girls to sing Rag Megh. They practiced night. देखो यहाँ ध्यान दो, CESE, ठीक है, practiced verb तो CE और practice SE noun, ठीक है। They practiced night and day for 2 weeks. दो हफ्तों तक उन्होंने दिन रात मेहनत करी। तानसेन टोल्ड देम, उन्होंने, तानसेन ने उसको बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स आर स्टार्ट, लेकिन तुमको रुकना होगा राग में गाने से पहले, जब तक क्या है लैम्प नहीं जल जाते, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और फिर गाना, ठीक है। द लेजेंड गोज, लेजेंड गोज, द लेजेंड गोज, कहावत ऐसे जाती है, कहावत ऐसे कही जाती है, तो लेजेंड गोज ऐसे लिखा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, कि उस दिन द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन, पूरा उस दिन पूरा जो शहर इकट्ठा हुआ तानसेन को सुनने के लिए राग दीपक गाते हुए, ठीक है, ये कहा जाता है कि उस दिन तो सब इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। तो वेन ही बिगेन टू सिंग, और जब उसने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, हवा गर्म हो गई, सून पीपल इन द ऑडियंस वर बेथ्ड इन प्रेस्पिरेशन, प्रेस्पिरेशन पसीने में, पानी में, ठीक है, हवा में भी होती है प्रेस्पिरेशन, उसको बोलते हैं, मापा जाता है उसको कई बार कि हवा के अंदर कितनी प्रेस्पिरेशन है, ठीक है, पानी, तो भीग गए वो बिल्कुल पसीने से, ठीक है, पूरी जनता। द लीव्स ऑन द ट्रीज हैव ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, अब पेड़ की पत्तियां भी गिर गई, और कई बार अगर आप ध्यान दो ना, तो यहाँ हैव लिखा हुआ है, मतलब ऑथर क्या कर रहा है, उसी समय में जाके ना, उसी समय में वहीं पे खड़ा हो गया ना, ये कह रहा है कि मैं अभी यहीं खड़ा हूं, और द ट्रीज हैव ड्राइड अप, कई बार बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, जैसे 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, कई बार लिखा मिलेगा 2 अक्टूबर अ लेजेंड इज बोर्न, 2 अक्टूबर कुछ भी जो उनकी 1930 थी क्या थी डेट ऑफ बर्थ, मेरे को पता भी नहीं है, है? 69, ठीक है, 1869 उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, तो वो बोलेंगे 2 अक्टूबर 1869 अ लेजेंड इज बोर्न लिख देते हैं वो, ठीक है, तो उसमें थोड़ी अभी थोड़ी पैदा हो रहा है वो, लेकिन ऑथर ये कन्वे करना चाह रहा है कि भाई अगर मैं इस समय वहां होता तो वो पैदा होते, ठीक है, बच्चा क्या करेगा उसमें एरर निकालेगा, ठीक है, वाज बोर्न कर देगा उसको, है ना, लेकिन कई बार इज बोर्न करेक्ट होता है, तो वही वो कह रहा है कि भाई मैं वहीं खड़ा हूँ, वो एक्सप्रेस कर रहा हूँ ऑथर कि भाई मैं वहीं खड़ा हूँ, और क्या हो रहा है, लोग पसीने से भीग रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, समझ रहे हो, गर्म हो गए, ठीक है। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल्ट डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वॉटर इन द रिवर्स बिगन टू बॉयल, आग, पानी उबलने लगा नदियों का,
पंछी नीचे गिर गए. पीपल क्राइड आउट इन टेरर, लोग अफरा तफरी मचा दी उन्होंने, भयभीत हो गए. टेरर एज फ्लेम्स, आग जलने लगी. शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैंप्स, दीपक जलने लगे. ठीक है, आग लगी उन्होंने, और आग जलते ही क्या है, एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग रागमेघ, उन्होंने रागमेघ गाना शुरू किया. द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, तभी बारिश आ गई. तानसेन वो सेव, तानसेन बच गया. द स्टोरी गोज दैट ही, द स्टोरी गोज, ये सारे एक जैसी चीजें हैं, ये सारी द स्टोरी गोज, द मिथ गोज. ठीक है, पीछे क्या था, द लेजेंड गोज. ठीक है, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, इनको क्वेश्चन नहीं कर सकता कोई कि भाई ये गोज का क्या सेंस है, जाना का क्या सेंस है, समझ रहे हो. कहावत कही जाती है, हैं? द मिथ इज सेड, द मिथ इज सेड, नहीं द स्टोरी गोज, द मिथ गोज. ठीक है, हाँ वो इस सेड है, ठीक है, लेकिन वो कभी भी आज तक ऐसे यूज नहीं होता कभी भी, इस सेड, समझ रहे हो. द स्टोरी गोज दैट दैट ही वॉज वेरी इल, कहा जाता है कि वो बहुत बीमार हो गया. आफ्टर दिस अकबर वॉज सॉरी, अकबर बहुत सॉरी था, माफी मांग रहा था. ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, उसने उसको इतना पेन दिया अकबर ने. ही पनिश्ड तानसेन एनिमी, तानसेन के दुश्मनों को उसने सजा दी. व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हुआ, द एंटायर सिटी रिजोइस्ड, रिजोइस्ड मतलब खुश हो गई वापस. ठीक है, तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 तक तानसेन कह रहा उसके दरबारी, कवि बना रहा, सिंगर बना रहा. व्हेन ही डाइड 1885 में मर गया वो. ही कंपोज सेवरल न्यू रागास, नए रागों का उसने निर्माण किया. तानसेन्स टूम्ब इज इन ग्वालियर, उसका जो मकबरा कहाँ है ग्वालियर में, इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, और वो क्या है, होली प्लेस है. ठीक है, तीर्थ या तीर्थ स्थान है वो, है ट्रूथ तो कहाँ होगी यार, जब कहानी है तो है, तो तीर्थ स्थान बन गया किसका, म्यूजिशियंस का. वाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन, अकबर ने उसको गाने के लिए बुलाया, उसे पता चल रहा है कि भाई उसका फोंड ऑफ था ही. तानसेन ने नए राग बनाए, इससे अकबर का कोई रिलेशन थोड़ी है. ठीक है, तानसेन ने नए राग बनाए, उससे अकबर का थोड़ी रिलेशन थोड़ी है, अकबर की फैन फॉलोइंग थोड़ी दिखा रहे हैं. व्हेन हिज कर्टियस एक्सप्रेस्ड डिस्ट्रस्ट इन हिज सिंगिंग, अकबर वॉज फुल ऑफ ट्रस्ट. हाँ, जब उसने कहा ना कि भाई तानसेन से क्या होगा, जब अकबर ने कहा था ऑफकोर्स तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, ठीक है, याद होगा सेंटेंस, तो उससे भी पता चल रहा है, तो पहले और तीसरे से पता चल रहा है क्या, डिस्ट्रस्ट मतलब किसी के अंदर विश्वास ना करना, ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट, डिसबिलीफ. व्हाट डिड द अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन, तानसेन के बारे दूसरे कोर्टरी क्या, दे फेल्ट जेलस. Why did Tansen's enemy want him to sing the Deepak Raag? क्यों गवाना चाहते थे तानसेन के दुश्मन से, ताकि वो भी जल के भस्म हो जाए, क्योंकि वे उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे. Wanted to get rid of him. Get rid of. चलो भाई फाइनली एट द एंड ऑफ आवर स्लाइड शो. ठीक है भाई, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट. Adios.